फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको उतनी अहमियत नहीं देता जितना कि आप उसे दे रहे हो? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं बल्कि एक ऑप्शन हो जिसे वो अपने हिसाब से यूज करता है, चूज करता है? देखिए, हो सकता है ये चीजें रिलेशनशिप की बिगनिंग में ना दिखाई दे, और शायद दिखाई भी देती तो आप उन्हें इग्नोर करते हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपको ये बात समझ में आने लगती है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आपका पार्टनर आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, आपको एक ऑप्शन मान रहा है, आपको अहमियत नहीं दे रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सच में आपके साथ ऐसा हो रहा है, वास्तव में आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं कुछ साइन बताऊंगी, अगर आपके साथ ये चीजें हो रही है तो समझिए आपको इससे निकलना है, और कैसे निकलना है मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली चीज, आपने कभी क्या ये फील किया है, आपने कभी ऐसा कुछ सोचा है कि आप अपने पार्टनर की बिजी लाइफ में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शायद उसको फर्क नहीं पड़ता आप वहां पे हो या ना हो? क्या आपने कभी फील किया है? जैसे कि आप उसे पूरा दिन कॉल मैसेज करते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, और सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, और हमेशा आपको बिजी बोला जाता है कि वो बिजी है, बिजी है। और कभी कभी बहुत कुछ सोचने के बाद आपको एक गुड नाइट या गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड कर दिया जाता है। अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, तो समझिए वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, उसे आपकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं है। इन सब के बावजूद भी अगर आप वहां बने रहते हैं, इस रिश्ते में बने रहते हैं, तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाते हैं, क्योंकि आगे चल के ये चीजें और भी बिगड़ने वाली है। दूसरा, आप ऐसी जगह अपनी चीजों को दे रहे हैं जहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा, जैसे कि आप अपना प्यार, अटेंशन, रिस्पेक्ट, लव, केयर ऐसी जगह पे दे रहे हैं जहां से सामने से कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, यहां तक कि टाइम भी आपको नहीं मिल रहा, और फिर भी आप उसे देकर खुश हैं, तो ये एक गलत सिचुएशन में है। ये चीजें आगे चल के बहुत ज्यादा गलत होने वाली है, क्योंकि आप समझिए आप एक ऐसी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर ये सब होने के बावजूद आप उसके साथ किए जा रहे हो, बदले में सामने से आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो समझिए आप एक गलत रिश्ते में, एक गलत इंसान के साथ है। तो अगर आप चाहते हैं चीजों को ठीक करना, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आना, उसकी प्रायोरिटी बनना, ना कि एक ऑप्शन जब वो आपको चाहे चूज करे, जब वो आपको छोड़ दे। उसके पास टाइम है तो उसने आपके साथ बिता लिया, वो बिजी है तो उसके पास समय नहीं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी प्रायोरिटी बने, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से उसको हटाना होगा। आपने उसे जो सबसे ऊपर बैठा दिया है, स्पेशल बना दिया है, वो चीजें करना आपको छोड़ना होगा। आपने उसे सबसे यहां बैठा दिया है, आपको सबसे पहले अपने आप को रखना होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना होगा, आपको पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज करना होगा। कुछ लोग जब सब चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो बस वो क्या करते हैं, सामने वाले को कॉल करना बंद कर देते हैं, मैसेज का लेट रिप्लाई करते हैं, उससे मिलना बंद कर देते हैं, उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आपको इन सब चीजों से ऊपर रहकर सोचना होगा, आपको इसके आगे सोचना होगा, आपको ये सब के साथ साथ आपको पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज करना होगा, आपको सब कुछ बदलना होगा, आपको सिचुएशन को इस तरह बदल देना है कि वो लड़की खुद अपने आप से क्वेश्चन करे कि वो आपकी लाइफ में कहां है, उसकी क्या वैल्यू है, वो कोई जगह रखती है कि नहीं रखती आपकी लाइफ में। आपको सिचुएशन को इस तरह क्रिएट करना होगा, इसके लिए आपको सब कुछ चेंज करना होगा। और ये आपको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज, देखिए, चलिए आपने उसके साथ समय बिताया, उसे आपके बारे में सब कुछ पता होगा, बहुत कुछ पता होगा, लेकिन अब आप पुरानी बातों को भूल जाए, अपने आप को पूरी तरह चेंज करना है आपको, तो अब आपको उसके सामने अनप्रेडिक्टेबल बनना है। आपको उसके सामने मैथमेटिक्स का वो अनसॉल्व क्वेश्चन बना है जो उसके लिए चैलेंज बन जाए। भले ही वो ये सोचती हो कि आप उसकी लाइफ की वो किताब हो जिसे वो पूरी तरह पढ़ चुकी हो, उसने एक एक पन्ना पढ़ लिया हो, लेकिन उसको ये दिखाना है कि आज भी आप वो किताब हो जिसके कुछ पन्ने, जिसके बहुत से पन्ने अभी भी उसके बिना पढ़े हुए हैं। आपको उसके सामने अनप्रेडिक्टेबल बनना है, उसे नहीं पता होना चाहिए कि अब आप क्या करोगे, अब आपका अगला मूव क्या होगा, वो खुद समझ ना पाए कि आप
अभी तक इतनी बातों को अपने अंदर छुपाए थे या वो आपको अभी तक अच्छे से नहीं जानती थी। इतना समय बिताने के बाद भी वो आपको समझ नहीं पाई थी, आपको अच्छी तरह नहीं जान पाए थे। दूसरा, ज्यादातर लोग जब किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो एक्साइटमेंट में या सामने वाले से इतना ज्यादा अपनापन हो जाता कि वो उनके सामने अपने आप को पूरी तरह खोल देते हैं, मतलब उन्हें सब बता देते हैं अपने बारे में, अपना मतलब अपने पैसा, अपना मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है या आपकी इमोशंस, अपना अटेंशन, उन्हें सब कुछ दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को या उस लड़की को या उस लड़के को ये एहसास होने लगता है कि आप उसे केवल चाहते नहीं है बल्कि वो आपकी जरूरत भी है। पर ये बात कहने की आपको उसको जरूरत नहीं पड़ती, ये बात आप उससे बोलते नहीं है, इन सब चीजों से ये चीजें क्लियर हो जाती है, वो अपने आप समझ जाता है कि आप उसे केवल चाहते नहीं है बल्कि आपको उसकी जरूरत भी है। और इस बात का फायदा सामने वाला इंसान उठाता है और इस बात का रिजल्ट ये होता है कि वो लगातार आपको इग्नोर करता रहता है और फिर भी आप उस रिलेशनशिप में बने रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन चीजों को सुधारना तो आपको जो रिसोर्सेस आपने उसको दे रखे हैं, जो भी हो, आपका समय हो, आपका पैसा हो, या आप जो भी आपने उसे दे रखा वो सब आप अभी के अभी बंद कर दें। उसको एहसास होने दें कि आपकी नजर में उसकी वैल्यू अब जीरो हो गई है। और जब उसे एहसास होगा, इन चीजों को खोने का एहसास होगा, क्योंकि उसे आज तक किसी भी चीज की कमी हुई नहीं। वो जब आप इमोशनली वो हर्ट हुई तो आप उसके लिए अवेलेबल थे, जब उसे पैसे की जरूरत थी तो आपने उसे हेल्प की, जब उसे जैसी जरूरत पड़ी आप उसके लिए अवेलेबल थे, तो उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती आपने। और कमी महसूस न होने की वजह से आपको उसने ग्रांटेड ले लिया, अब वो आपकी वैल्यू नहीं करती। तो आप इन चीजों को रोक दें, तब उसे किसी भी चीज की कमी महसूस होगी। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने लिए बाउंड्री बनानी होगी, लिमिट बनानी होगी, एक लाइन ड्रा करनी होगी कि नहीं, इसके आगे नहीं। और ये जो लाइन है, ये जो आपने बाउंड्री बनाई है, ये आपके खुद के इमोशंस के लिए नहीं है बल्कि सामने वाले के लिए, ये आपकी सब रिस्पेक्ट के लिए है। ऐसा नहीं कि कोई भी आए आपको कुछ भी बोल के चला जाए, आपको यूज कर जाए कैसे भी, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि इसके आगे नहीं, एक लिमिट है। क्योंकि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चीजें करनी होगी, और जब सामने वाला आपको देखेगा कि आप अपना कदम पीछे खींच रहे हैं, आप उसके लिए बाउंड्री ड्रा कर रहे हैं, लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो उसे समझ में आ जाएगा कि आपकी नजर में अब उसकी वैल्यू वो नहीं है। और जब ये करते हो तो कहीं ना कहीं उस लड़की को एहसास होता है, उसे दोबारा सोचने के लिए वो लड़की मजबूर हो जाती है कि गलतियां कहां हुई और अब क्या किया जाए आपको पाने के लिए। क्योंकि जब आप उससे दूर चले जाते हो तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो जाते हो, वो आपको बहुत कुछ मानने लगती है, आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखने लगती है और सबसे ऊपर रखती है। तो जब आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहुंचते हो और आप उससे दूर हो रहे होते हो तो आप उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल होते हो, अमूल्य होते हो, और जिसे वो पाना चाहेगी। अब वो टाइम आ गया होता है जब वो खुद से क्वेश्चन कर रही होती है कि आपकी लाइफ में उसकी जगह कहाँ है भी या नहीं है। अब ये टाइम आ गया होता है जब उसे अपनी जगह पता करनी होती है, उसे ये पता करना होता है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अब कौन है, आप किसे रख रहे हो। तो अगर आप चाहते हो, आपके खुद की वैल्यू करना चाहते हो, आप उसे चाहते हो कि आप उसके लिए एक ऑप्शन ना बनो, आप उसकी प्रायोरिटी बनो, तो आपको ये चीजें करनी होंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको वो चीजें दिख रही है, तो आपको ये काम करने होंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।